21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर मुंबई और नरिमन पॉइंट पर सुनहरी सुबह में लगभग 400 लोगों ने मासमा फार्म फिटनेस और भारत विकास परिषद के नेतृत्व में योग दिवस मनाया। एक तरफ अरब सागर का ये तट, जिसको हम मुंबई का मरीन ड्राइव बोलते हैं, ऐतिहासिक नज़ारा था। समुद्र की लहरें तट पर टकरा रही, मानो वो भी योगा कर रही हो। दूसरी तरफ योग दिवस पर जन सैलाब ने इस योग दिवस को ऐतिहासिक बना दिया। आप ये नज़ारा देख रहे हैं, अप्रतिम और भव्यतम नज़ारा। योग मानसिक शांति, शारीरिक शांति और आध्यात्मिक शांति के लिए दुनिया भर को भारत की देन है। 2014 में जब संयुक्त राष्ट्र महासंघ की पहली जो मीटिंग हुई, जिसमें मोदी जी गए, उन्होंने दुनिया को ये दिया, ये कि एक सबके सामने अपने बात रखी कि ये योगा को इंटरनेशनल योगा डे बनाना चाहिए, क्योंकि ये वैश्विक शांति के लिए बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, और दुनिया ने भी इस चीज़ को माना है। आज दुनिया के 161 देश आज के दिन इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं। आज भारत में और दुनिया भर में इसका उल्लास है। ये योगा न सिर्फ हमें मानसिक शांति देता है, जो आज के तनावपूर्ण वातावरण में बहुत जरूरी है, मानसिक शांति, शारीरिक शांति और आध्यात्मिक शांति देता है, ये बहुत जरूरी है। और आज हमारे मुंबई में खास करके फैम मासमा, ये हमारे फिट एंड फाइन, और खासकर का ये जो आज का आयोजन है वो फिट एंड फाइन की मिठालाल जी और उनकी टीम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया। और आज हम जिस तरह से हमने आज योगा किया है, हमने आपको लगा है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ करने की अभी तक बाकी है। भारत की दुनिया को देना है, पूरी दुनिया इसको अपना रही है। मोदी जी के आने के बाद ये चमत्कार पूरी दुनिया ने देखा है, और हमारी जो देन योगा और आयुर्वेद, ये दोनों चमत्कार दुनिया ने अपनाया है इसको। सर, और दूसरा इसके कारण ही मैं रोज पौने घंटे करता हूँ 78 में भी तब फर्स्ट। ये आज के इस सामूहिक योगा दिवस पर इतनी ऊर्जा का स्पंदन, यानी ऊर्जा का एक तरह से प्रबंध तैयार हुआ है। एक दिन का ऐसा लगता है कि हर रोज इस तरह से लोगों को करना चाहिए और जीवन में नई ऊर्जा का स्पंदन कैसे करना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम कृष्णा जोशी है, मैं TRF स्पेस से हूँ। यस, जो कह रहे हैं वो राइट है। ये जो ऊर्जा है वो रोज होनी चाहिए, क्योंकि ये ऊर्जा जो आप उत्पन्न करते हो आपके स्वास्थ्य के लिए, ये एक दिन नहीं, ये पूरे लाइफ के लिए होनी चाहिए, और तब हम BP, डायबिटीज और हर चीज से फ्री हो जाएंगे और हम अच्छा जीवन जी सकेंगे। आज हमारे फिट एंड फाइन ग्रुप ने सबको इकट्ठा किया, मासमा फार्म भारत विकास परिषद एक सुंदर आयोजन किया। मैं आज के दिन के ऊपर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी है, मोदी जी श्रीनगर के अंदर, कहने का मतलब योगा डे मना रहे हैं, तो मेरा आज के दिन के ऊपर आपसे ये एक संदेश है, सही व्यायाम, सही भोजन और सही नींद, इनके ऊपर यदि आप कंट्रोल ले आते हैं तो आपका जीवन एकदम बहुत ही पॉजिटिव बन जाएगा। और हमारे सबका एक सपना है कि मेडिसिन मुक्त भारत का निर्माण करना और अपने विजन को बड़ा करना। अच्छा, योगा डे के ऊपर हम इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे तो डेफिनेटली हम एक दिन मेडिसिन मुक्त भारत का निर्माण करेंगे। और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी जी यानी 161 देशों में ये योगा डे मना रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ और हमारी सबकी तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टर को हम बधाई देते हैं। आइए सुनते हैं मासमा के अध्यक्ष चंदन जी भंसाली मीडिया हाउस से कुछ कह रहे हैं। देखिए, आज पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है, इसी कड़ी में हमारी संस्था मेटल एंड स्टेनलेस स्टील मर्चेंट एसोसिएशन यानी मासमा और फॉर्म CIIT भारत विकास परिषद और हमारी फिट एंड फाइन, ये सारे ग्रुप ने मिलके आज इस योगा दिवस का आयोजन किया, जिसमें काफी बड़ी संख्या में लोग आए और हमें अच्छी तरह से आज योग कराया गया। और योग भगाए रोग, एक विश्व में एक संदेश दिया गया कि योग भगाए रोग। हर व्यापारी आज स्ट्रेस की जीवन जीता है, यानी तनाव भरी जिंदगी जीता है, उस तनाव भरी जिंदगी में ये योग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज यहाँ पे हर व्यापारी, हर बिजनेसमैन, हर इंडस्ट्रियलिस्ट आज इस योगा का लाभ लिया है, उन सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। सब जो भी संस्थाओं से जुड़े उन संस्थाओं को धन्यवाद करता हूँ, हमारे योगा टीचर को भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से योग कराया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को शुभकामना देते हैं। फिट एंड फाइन ने इनिशिएटिव लेकर ये योगा दिवस का आयोजन इस मरीन ड्राइव की खुले आसमान में और समुद्र के किनारे रखा है। सबको आनंद आया, सब टीचर ने बहुत योगा करवाया। योगा हमारे शारीरिक
मानसिक और स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। आप सबसे निवेदन है कि योगा को जीवन में अपनाएं और निरंतर प्रतिदिन योगा करें। धन्यवाद। और अब सुनिए योग दिवस पर आयोजित इस उत्साह का, एक नई ऊर्जा का स्पंदन हुआ। भारत माता की जय व वंदे मातरम के नारों से पूरा मरीन ड्राइव गूंज रहा है, आइए सुनते। इस कार्यक्रम में महात्मा के सेक्रेटरी प्रवीण जी अंगारा, उपाध्यक्ष गणपत जी पुरोहित, सचिव अमृत जी संघवी, कोषाध्यक्ष हनुमान जी गांधी एवं कल्चरल कमेटी के कन्वीनर अशोक जी भंडारी विशेष रूप से उपस्थित थे। मरीन ड्राइव से ग्राउंड रिपोर्ट, कैमरा पर्सन नंदू जी डेरे के साथ शुभ समय मुंबई का लाइव, ओवर टू स्टूडियो।